ओके, तो लास्ट वीडियो ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स, यहाँ पे वेनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये दोनों क्या है? दीज बोथ आर नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है? जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का क्या है? डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है? उधर ही जाके जो है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन वो सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? जिस तरह के वो कर रहे थे, ठीक। अच्छा, तो फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो है ना इनकी रेजिस्टेंस स्पीशीज मतलब इनके स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, ठीक है? डेप्टोमाइसिन के स्पेक्ट्रम, चले पहले ये वैनकोमाइसिन का करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे नहीं होगा फिर ये देंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा तो वैनकोमाइसिन में एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम यहाँ पे किस तरह है इनका? इनका है, ठीक। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है? ये स्टार स्टार जो मैंने लगाए हैं ये मैं बताता हूँ, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन से? स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिटिस, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बी सी, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है? स्ट्रेप्टोगैलेक्टी, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद फिर एंटेरोकोकस फीकेलेस, ठीक है? ये इंटरकोकस इफिसियम होता है उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने बस वो छोड़ दिया बस। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव रॉड में लिस्टेरिया मोनोफाइटोजिनेस, इनऑर्गेनिक सॉरी द एनारोबिक्स में क्लोस्ट्रीडियम के सारे सारे जो चार स्पीशीज है सब में कौन कौन से हैं? एक जो है ना बॉचुलाइना है, एक है मतलब क्लोस्ट्रीडियम बॉचुलिज्म कॉज करता है, एक जो है ना परफ्रिंजेंस है, एक है डेफिसल और लास्ट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनस, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना हम अब ये सारे हो गए इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब आते हैं ये डेप्टोमाइसिन के एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, जिसमें कौन कौन से हैं? मेथसिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस, ठीक, क्लियर? या इस तरह करता हूँ मैं, पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ वैनकोमाइसिन का, मतलब इसका मैं सब कुछ करा रहे तो फिर जो है ना ये वाली बात डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी ज़रा मतलब वो बात अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं होगी, जब वो क्लियर हो जाए फिर आसानी फिर जल्दी एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो वेनकोमाइसिन में पहले आते हैं, वेनकोमाइसिन किस तरह एक्ट करेगा? ये मैंने बताया था कि अगर ये नैम नैग यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड का ग्रुप अटैच होता है, इस पेप्टाइड के ग्रुप पे मैंने कहा था कि आखिर में क्या होता है, ये सब कुछ मैंने डिटेल कहाँ डिस्कस करी है? स्टार्ट वाली वीडियोज़ में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में सब कुछ है। इसमें क्या होता है, आखिर में जो ये ग्रुप्स हैं आखिर में दो, ठीक है, उसमें दो ग्रुप होते हैं डी एला और डी एला, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लाते हैं एंजाइम्स लाते हैं, ठीक है? मैसेंजर आरएनए का इसमें कुछ काम नहीं है, तो ये एंजाइम्स ला के जो है ना अमाइनो एसिड्स यहाँ पुट करते हैं, आखिर में डी एला होते हैं, ठीक है? ये जाके बाइंड करते हैं, जब ये बाइंड हो गए तो ये पेप्टाइड ग्रुप अब बाइंड हो गए, ठीक है? आप ये पेप्टिडोग्लाइकिन का एक ये क्या है, पेप्टाइड है और ये ग्लाइकेन है, ग्लाइकेन ये कार्बोहाइड्रेट बैक चेन है और यहाँ पे पेप्टाइड है, तो ये पेप्टाइडेट का एक यूनिट है जो जाके फिर बाहर जाएगा और फिर और पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ जो है ना ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन की तरह बाइंड कर लेगा, मतलब ये नैम नैग है, ठीक है? एक और नैम नैग यहाँ पे होगा, ठीक है? इन दोनों के बीच में होगा ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें ये दोनों बाइंड हो जाएंगे और ये इधर क्या होगा, इसी तरह ही जॉन्च निकली हुई इधर ये पेप्टाइड की, ये और ये बाइंड हो जाएगी टुगेदर बाय ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, जिसमें ये और ये क्रॉस लिंक करके बाइंड कर लेंगे, ठीक है? ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक। तो वैंकोमाइसिन क्या करेगा, वो जाके ये इनहिबिट करेगा बाइंड करना, ठीक। तो ये पेप्टाइड ग्रुप जो है ना इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक, तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो ये बाइंड फिर नहीं कर सकेगा विथ अदर्स, ठीक। तो इसकी वजह से जो है ना वो सेल वॉल सिंथेसिस इस तरह इनहिबिट करेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इस ग्रुप इस सेल वॉल इनहिबिटर्स में पढ़ने हैं, ठीक, कि इसका जो है ना सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन में काम है, लेकिन बीटा लैक्टम नहीं है तो इसलिए बस यहाँ पे होगी, ठीक है? ये बीटा लैक्टम नहीं है, ये वाली बात ज़रूर याद करें, ठीक है? लोग जिस चैप्टर में है इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये बीटा लैक्टम ही है, ठीक। तो डीएलआरडीएल को प्रिवेंट कर लिया और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन इनहिबिट कर दिया, ठीक है? इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि बस ये क्या आईवी इन्फ्यूजन देंगे और स्लो इन्फ्यूजन है, ठीक है? आईवी ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइड अमाउंट वाइड स्प्रेड होती है फुल बॉडी में, लेकिन हमारे सीएनएस में क्रॉस नहीं करती, ठीक है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है,
तो ये क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर में मतलब कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ब्रेन में, ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, फिर जो है ना ये ड्रग पास हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ब्लड ब्रेन बैरियर अब ख़त्म हो गया, तो फिर जो है ना ये पास हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना मोस्टली जो है ना तो ये ड्रग जो है ना अनचेंज्ड यूरिन में जाती है, ठीक हो गया। सही, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस बैक्टीरिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है ना ये स्टार 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 की बात करता हूँ, फिर जाके मैं टेप्टोमाइसिन की डिटेल में जाता हूँ। अच्छा, तो स्टेफलोकोकस ऑरियस MRSA, ठीक है, MRSA, MRSE। MRSA का क्या मतलब, जो स्टेफलोकोकस जो मेथसिलिन रेजिस्टेंट, MRSA मतलब मेथसिलिन आर रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। वो स्टेफ ऑरियस जो पिछले पेनिसिलिन, जो मेथसिलिन क्या है, मेथसिलिन जो है ना पेनिसिलिन ही है, ठीक। तो वो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन से क्या है रेजिस्टेंट है, ठीक है। मेथसिलिन हम देते हैं, हमने बनाई ही नैरो स्पेक्ट्रम इन के लिए ही बनाई है, तो इसके लिए भी रेजिस्टेंट हो गया। तो अब क्या देंगे हम, नॉन बीटा लैक्टम देंगे, जिसका सेल वॉल इनहिबिशन मतलब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंट है, बीटा लैक्टमेज बना रहा है, ये जो है ना वो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको चेंज कर दिया, ए फ्लेक्स पंप डाल दिया, सब कुछ कर दिया ताकि पेनिसिलिन काम ना कर सके। तो अब यहाँ पे बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसका जो है ना उनके साथ काम ही नहीं है, सेपरेटली काम है। तो MRSA की स्ट्रेन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बात यह है कि हमें अब ड्रग मिल गई है जो MRSA के ख़िलाफ़ कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है ना अब इसके यूज़ को हम कम करेंगे। अब आप कहेंगे कि ड्रग मिल गई तो यूज़ कम क्यों करेंगे, तो बात यह है कि हम जितना मतलब कि अगर एक एज मतलब एक ये दो पेशेंट के, दो पेशेंट है, ठीक है, ठीक है, ये सीरियस केस है इसका, इसका नॉन सीरियस है, ठीक है। मतलब कि मतलब नॉन सीरियस तो नहीं, नॉट सीरियस मतलब इतना कुछ खास सीरियस केस नहीं है, ठीक है। अब फर्ज करें ये दोनों क्या है, वेनकोमाइसिन मतलब कि वेनकोमाइसिन सेंसिटिव है, मतलब वेनकोमाइसिन इन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, MRSA है। तो अगर और ड्रग से हम मतलब MRSA सिर्फ पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट, ठीक है, पीछे और भी हमने ड्रग्स यूज़ की थी, वो भी जो है ना स्टेफोरिस पे काम कर रही थी, ठीक। तो अगर वो ड्रग काम कर रही है इस नॉन सीरियस केस में, तो बस ठीक है, उधर वो यूज़ कर लेंगे, वैनकोमाइसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस सीरियस केस है, इसमें जो है ना अब हम हमें पता है और काम नहीं करेंगे, तो अब इसके लिए तो अब यूज़ करेंगे खाम खा, इसी के लिए ही तो हमने ये ड्रग बनाई है। नॉन सीरियस में क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें अब अगर हर केस में हम वैनकोमाइसिन डालेंगे तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बना देगा, रेजिस्टेंस शो कर देगा, एक बेबी म्यूटेशन आ गई प्लाज्मिड में, बस पास होना शुरू हो जाएगी। नोसोकोमियल इन्फेक्शन में ये होता रहता है, इनको मतलब कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें हर एक को स्प्रेड होता रहता है, होता रहता है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। अब इस बंदे ने जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी नहीं की, ड्रग सही नहीं ली, मतलब कि ट्रीटमेंट अपना कोर्स पूरा नहीं किया, ठीक, तो उसकी वजह से जो है रेडिकेट फुल नहीं हुआ, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई, हमने इसको वेनकोमाइसिन भी दी, इसने प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अपनी नहीं किया, अब रेजिस्टेंस इसकी वजह से पैदा हो गई है, ठीक। तो इसकी वजह से जो इसके लिए बेनिफिट था वो भी चला गया। तो क्या है, मेथसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ठीक, और MRSE क्या है, मेथसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिटिस, ठीक। तो इन सब के लिए यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एंटेरोकोकस फिकैलिस की जो स्ट्रेन्स है, जो कि जो है ना डिफरेंट पेनिसिलिन या डिफरेंट जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में यूज़ नहीं होगी, तो वहाँ पे भी जो है ना हम वेनकोमाइसिन अब दे सकते हैं, ठीक है। स्टार 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 क्यों लगाई है, क्योंकि अगर अगर नहीं, क्योंकि इसमें भी अब रेजिस्टेंस स्पीशीज शो हो गई हैं, क्योंकि हमने यूज़ बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब किसी एक बंदे की वजह से, किसी दो बंदे की वजह से जो है ना रेजिस्टेंस स्ट्रेन अगर आ गई है, तो वो बस स्प्रेड होती रहेंगी, तो अब रेजिस्टेंट स्पीशीज भी आ गई हैं, ठीक है। तो अब ये बात यह है कि इंडस्टर, अच्छा, तो वेनकोमाइसिन में बात यह है कि आप अगर ये MRSA है, ठीक है, पहले तो हमने पेनिसिलिन दे दिया, पेनिसिलिन काम नहीं किया तो सेफेलोस्पोरिन दे दिया, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन नहीं काम कर रहा तो फिर आगे वो सारे ड्रग देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, जितनी भी हैं, ठीक है, कार्बापेनम्स हो गया, इमीपेनम्स हो गए, ठीक है, ये सारे हमने दे दिए, सब ने काम नहीं किया, कार्बापेनम और ये मोनोबैक्टम्स हैं,
किसी ने भी काम नहीं किया। ठीक, तो अब हमने क्या किया, वेनकोमाइसिन दे दिया, ठीक है, जो कि पहले काम कर रहा था। ठीक, अब अगर ये ना काम नहीं कर रहा, ठीक, तो अब इधर बात आती है स्पेक्ट्रम वाली, बात ये वाली, मेथसिलिन सेंसिटिव स्टेफलोकोकस ऑरियस, के वो वाले स्टेफ ऑरियस जो कि मेथसिलिन की प्रेजेंट में बस मर जाती हैं। तो अब देखिए, वो स्पीशीज़ में भी अब डेप्टोमाइसिन दे सकते, काम तो करेगा ऑब्वियसली, लेकिन देना फ़ायदा नहीं है ना। अब मेथसिलिन है तो मेथसिलिन ही दो ना, डेप्टोमाइसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक, जो केस में भी फिर रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब मेथसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस है, उसमें भी जो है ना आप डेप्टोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक, तो अब ये हमारे से है मेथसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस। अब अगर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट हो गया तो फिर हम क्या दे देंगे इसको, डेप्टोमाइसिन दे दिया। ठीक, अब डेप्टोमाइसिन भी अगर जो है ना रेजिस्टेंट हो गया तो फिर हम क्या देंगे। अब ये क्या है, वैनकोमाइसिन डेप्टोमाइसिन दोनों क्या सेल वॉल फेंसेस इनहिबिटर्स हैं। अब इसके बाद हम क्लास ही चेंज कर लेंगे, हम क्या देंगे इसमें, क्विनप्रिस्टन एंड डेफलोप्रिस्टन। ठीक है, ये दोनों फार्मूलेशन है एक साथ ही है, क्विनप्रिस्टन डेफलोप्रिस्टन, या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, ठीक, ये क्या है, ये आप देंगे मेथसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस में। ठीक, अब फर्ज ये भी काम नहीं कर रही, अब क्या करेंगे। अब आखिरी ड्रग हमारे पास रह गई है लेनोसुरिड, दिस इज ऑल्सो द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक, ये भी आके डिस्कस करेंगे, इसी तरह देते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखें, यहाँ पे मेथसिलिन सेंसिटिव स्टेफोरियस है, इसमें आप डेप्टोमाइसिन दे रहे तो ऑब्वियसली फिर देखिए स्टार लगा हुआ है, मतलब कि इसमें भी रेजिस्टेंस आ सकती है। ठीक, क्लियर। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, जितने भी पीछे पेनिसिलिन थे उसके साथ रेजिस्टेंस हो गई नमूनिया में, ठीक है, उसमें दे सकते हैं। एंटेरोकोकस फिकैलिस, ठीक, जो नॉर्मली है उसमें भी दे सकते हैं। और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फिकैलिस, ठीक है, VRE, जिस तरह MRSA है ना मेथसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस, उसी तरीके VRE, ठीक, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फिकैलिस, ठीक है, सिर्फ फिकैलिस, ईफीसीएम नहीं, ठीक है, ईफीसीएम में ये वाली बातें नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं, वो बस वेनकोमाइसिन पे ही काम करता है। ठीक, यहाँ पे ई इंटरकोकस में दो स्पीशीज़ है, एक फिकैलिस है और ए फीसीएम है, फिकैलिस में रेजिस्टेंस आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटरकोकस फिकैलिस, उसमें हम डेप्टोमाइसिन दे देंगे। ठीक है, और बस इसके जो है ना, बस और डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसका बस मोड ऑफ एक्शन में बता दो। तो डेप्टोमाइसिन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है ना नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये क्या करता है, ये मतलब जाता है और सेल वॉल पे, जब जिस तरह ही बैक्टीरियल केस मतलब कि क्रॉस करके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ जब बाइंड कर लेती है ये ड्रग, तो क्या करता है, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर लेता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन की रैपिड डीपोलराइजेशन की वजह से जो है ना अंदर सारा जो फंक्शनल इंटेग्रिटी है बैक्टीरिया की वो लॉस हो जाती है, वो जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, वो जो है ना DNA RNA कुछ नहीं बनाता। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से ये सब कुछ नहीं होता, और इसकी वजह से फिर सेल वॉल इनहिबिशन होती है। ठीक, तो इसका जो है ना सेपरेट ही डिफरेंट काम है, इसलिए जो है ना हम इधर रेजिस्टेंट स्पीशीज में दे सकते हैं। ठीक, तो बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ख़त्म करते हैं दिस चैप्टर, द सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक।